कोई भी त्योहार हो या वीकेंड हो या अचानक आने वाले हो मेहमान। ये गर्मा गर्म फूली फूली क्रिस्पी करारी जबरदस्त टेस्टी नई तरह की कचौड़ी आप कम समय कम मेहनत और कम सामान से कभी भी फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। 2-in-1 रेसिपी है फ्रेंड्स, इसमें आपको मिलेंगे दो दो टेस्ट, पूरी का भी और कचौड़ी का भी। ठंडी होने के बाद भी फूली फूली रहेंगी और खस्ता बनी रहेंगी और 3-4 दिन तक ये खराब भी नहीं होंगी। न दाल को धोना, न भिगोना, न अलग से मसाला बनाना, फटाफट तैयार होंगी ये फूली फूली कचौड़ी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। 2-in-1 क्रिस्पी करारी फूली फूली इस नए तरीके की कचौड़ी को बनाने के लिए आप लीजिए इस तरह का बड़ा बर्तन और इसमें मैं ले रही हूँ 1.5 कटोरी गेहूं का आटा। आमतौर पर कचौड़ी बनाने के लिए हमें दाल की या आलू की जरूरत होती है, लेकिन इसमें हम ना तो किसी तरह की दाल का यूज करेंगे और ना आलू या किसी सब्जी का, बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी सूजी, किसी भी तरह की मोटी या महीन आप सूजी ले सकते हैं। इससे कचौड़ियों में करारापन आएगा और ठंडी होने के बाद भी कचौड़ियाँ क्रिस्पी करारी बनी रहेंगी। इसी के साथ 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चावल का आटा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप केवल सूजी से भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें जाएंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले। सबसे पहले अच्छे कलर के लिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ कचौड़ी की जान, 1 चम्मच सौंफ पाउडर। किसी भी तरह की कचौड़ी बनाए सौंफ पाउडर तो पड़ता ही पड़ता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। स्वाद अनुसार जाएगा इसमें नमक, साथ ही 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसे थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी से कचौड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। 1/2 चम्मच गरम मसाला, साथ ही इसके स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन न खाते हो तो केवल अदरक का पेस्ट या अदरक को क्रश करके भी डाल सकते हैं। ये कचौड़ी ऐसे हैं कि अगर कभी अचानक आपके घर में मेहमान आ जाए या फिर आपको कभी बच्चों के टिफिन में रखना हो तो आप इसे इंस्टेंटली फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। दाल वगैरह भिगोने की भी कोई झंझट नहीं और स्वाद तो आप जब इन्हें एक बार बनाकर खाएंगे ना तो आपका मन रोज ही करेगा कि इन्हें ही बनाएं। अब 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें हींग। हींग को मैंने थोड़े से पानी में पहले ही भिगो दिया था। इस तरह से भिगो कर हींग डालने से हींग का टेस्ट कचौड़ी में एक सा आता है, तो आप इसे भिगो कर ही डालिए, बहुत ही मस्त फ्लेवर आएगा। अब 2 चम्मच डाल देंगे इसमें ऑयल। इसे डालने से कचौड़ियाँ क्रिस्पी करारी रहेंगी। अब पहले सभी चीजों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स, जिससे ऑयल आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसे गूंदना है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखना है और बहुत ज्यादा गीला भी नहीं करना है। मीडियम डो इसका बनाकर तैयार करना है, जैसे कचौड़ी का आटा लगाते हैं उसी तरह का। तो यहाँ डो हमारा तैयार है, देखिए इस तरह का डो हमें तैयार करना है। अब इसे ढककर 5-7 मिनट के लिए अलग रख देंगे, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। अब आटा अच्छे से सेट हो गया है, अब इसे एक बार मसल लेते हैं। थोड़ा सा ले लेंगे सूखा आटा और अब डो में से थोड़े थोड़े आटे को लेकर इसकी लोई बना लेंगे, इसे स्मूथ कर लेंगे और अब इसे बेल लेंगे। अगर जरूरत लगे तो थोड़ा सूखा आटा भी लगा सकते हैं, ज्यादा पतला इसे नहीं करना है, इस तरह का रखना है। इसी तरह से हम सभी कचौड़ियों को बेल लेंगे। बहुत ही आसान है ये सूजी की कचौड़ियाँ बनाना, कोई भी मेहनत नहीं है, इसको कोई भी बना सकता है। जिन्हें दाल भरी कचौड़ियाँ बनाना कठिन लगता है या कभी दाल भीगी हुई नहीं है तो आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका टेस्ट आपको दाल की कचौड़ी से ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। अब मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने पर एक एक कचौड़ी को इसमें डालते जाएंगे। जब ये हल्की सी ऊपर आने लगे
तो ऊपर से हल्का सा इसे प्रेस कर दीजिए। ये तरीका बहुत ही अच्छा है, कचौड़ी एकदम फूली फूली बनेगी। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है जिससे ये क्रिस्पी करारी बने, और जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इन्हें पलट देंगे। अब देखिए कचौड़ियों में ब्राउन कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी करारी कचौड़ियां बनी हैं। खाएंगे तो खाते ही जाएंगे, तो अब इन्हें निकाल लेंगे। और अब फिर से हम कचौड़ियों को इसी तरह से डालकर फ्राई करेंगे। और यहां हमारा ये बैच भी तैयार है। ये देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी करारी कचौड़ियां बनी हैं। और इसी तरह से हम सभी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और इनका टेस्ट एकदम कचौड़ी जैसा ही आता है। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही स्पेशल झटपट बनने वाली सुपर टेस्टी क्रिस्पी करारी सूजी मसाला कचौड़ी है बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं कि ये अभी तक फूली हुई है, बिल्कुल भी ये दबी नहीं है। जरूर ट्राई कीजिएगा इन्हें, और ये थोड़ी सी लाल लाल ही बनाइएगा, तभी ये ज्यादा अच्छी लगेंगी। इसमें आपको पूड़ी और कचौड़ी दोनों का टेस्ट आएगा। आप इन्हें बिना सब्जी के ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इनका अपना ही एक अलग टेस्ट होता है। या फिर चटनी या रायता या सब्जी किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इसे, ये आपको बहुत पसंद आएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्पेशल सूजी मसाला कचौड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।